हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस एक्सेल एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर सर एडवांस एक्सेल के एग्ज़ाम के बारे में बताइए कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है। तो ये एक डेमो क्वेश्चन पेपर मैंने तैयार करके रखा है जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, उनका सोल्यूशन क्या होता है। ओके, और इवन अगर आप कंपनी में जाते हैं तो कैसे आपको क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे एडवांस एक्सेल्स के, अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा है तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ आज। तो ये वीडियो को स्टार्टिंग तो एंड तक देखें, ठीक है, क्योंकि पूरा एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे लोगों में मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टोटल रोज एंड कॉलम इन एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, अब उसका आंसर हम डायरेक्ट एक्सेल में भी निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हो कि आपका जो कीबोर्ड होता है, ओके, तो इस कीबोर्ड से आपको कंट्रोल बटन दबाना है और राइट एरो की दबाना है। ठीक है, कंट्रोल बटन एंड राइट एरो की, मैं आप लिख के रखता हूँ CTRL कंट्रोल प्लस राइट एरो की फॉर कॉलम। ठीक है, आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो की फॉर कॉलम। अगर आपको कॉलम जानना है कि टोटल कितने कॉलम होते हैं तो कंट्रोल के साथ राइट बटन दबाइए। तो कितना बता रहा है आपको यहाँ पे XFD, और इसका न्यूमेरिक कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, इट्स 16384। मतलब हम बोलते हैं ना ABCD कॉलम फिर AA AB ऐसा, तो अगर वैसा मल्टीप्लीकेशन करते तो टोटल होता है XFD कॉम्बिनेशंस, एंड उस कॉम्बिनेशंस को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे तो 16384 कॉलम्स। वापस अपनी पोजीशन पे आना है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो की। अब आपको जाना है टोटल रोज कितने, तो वापस आपको दबाना होगा CTRL प्लस डाउन एरो की फॉर रोज। ठीक है, तो आपको क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबाने पे आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आपके रोज कितने टोटल, यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये हैं आपके टोटल यहाँ पे 110 आपके ये है टोटल 10 लैक्स। ठीक है, 48,576 ये है आपके टोटल रोज ऑफ कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके, समझा आपको? तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं आपके एक्सेल में, 10,48,576 ये है टोटल नंबर ऑफ रोज के आपके कैलकुलेशन। वापस अगर ऊपर आना आपको तो कंट्रोल के साथ आपको अप एरो की प्रेस करना है। ओके, कंट्रोल के साथ आपको अप एरो की प्रेस करना है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है यहाँ पे बताइए, 104,8,576 एंड XFD या ये। तो हमको तो पता है हमारा कौन सा सोल्यूशन है, 104,8,576 एंड XFD। ठीक है, वापस देखना तो वापस देख सकते हैं, कंट्रोल डाउन एरो की ये रहा एंड कंट्रोल राइट एरो की ये रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि मैंने मर्जेंट सेंटर कर दिया। एडवांस एक्सेल, ठीक है, एडवांस एक्सेल एग्ज़ाम। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया एडवांस एक्सेल एग्ज़ाम। अभी इसे यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका फर्स्ट का आंसर क्या है, ए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट डैश ए, हो गया मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्या, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर वी लुकअप एरे फंक्शन। ठीक है, तो वी लुकअप एरे फंक्शन को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि उसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो इस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ओके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेकंड डैश, ओके, इसका आंसर क्या है आपका, बी। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकंड डैश बी। बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट स्पेसिफिक रेंज इनटू टेबल।
अफकोर्स ये बात है, इट्स कंट्रोल प्लस टी, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका भी सेकेंड ऑप्शन है बी, तो थर्ड का क्या हो गया, बी। तो ये क्या हो गया, आपके पहले क्वेश्चन का आपको ये आंसर पता चल गया, ओके। ये कर दिया मैंने शीट वन में, क्वेश्चन नंबर शीट वन। तो इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे चाहिए तो, जैसे कि मैंने रीनेम कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर वन, ये हो गया मेरा शीट वन। अब नया शीट ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इसको भी रीनेम कर देते हैं, इसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर टू, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट ऑल द एक्सपेंसेस फॉर ऑल द रीजन बेस्ड ऑन अजम्पशन गिवन बिलो ऑन पुट प्रॉपर फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस इन वन सेल ओनली एंड कैलकुलेट देयर सेल्स वैल्यू बाय ड्रैगिंग इट ओनली। चलिए ये मैं आपको लाइव करके बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है एंड सॉल्यूशन किससे करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना वो वैसे ही सेम टेबल तैयार करके रख दिया आप लोग के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसमें जूम कर देता हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, इसके पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या है पता है आपको, कि आपको ना ये जो पहला सेल है, ठीक है, यानी जो पहला सेल है यहाँ पे आपको कोलकाता का 5000 का 25% यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये निकालने के बाद आपको क्या करना है, जब आप यहाँ से ऐसे ड्रैग करो और नीचे ड्रैग करो तो सबका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू 5000 का 25% निकालना है, यानी मल्टीप्लीकेशन दिस एंड एंटर। पहले बॉक्स का तो आंसर आ गया, अब अगर मैं जिसे ड्रैग करूँगा तो बाकी का आंसर आ रहा है क्या, देखिए नहीं आ रहा, सब गलत आ रहा है, इट्स शोइंग यू द रॉन्ग आंसर। तो वही हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कुछ ऐसा करना है कि जब आप ड्रैग करो तो आपका ये पूरा आंसर एक साथ आना चाहिए। अब आंसर आ क्यों नहीं रहा वो देखते हैं। देखिए जब मैंने इसको ड्रैग किया और जब डबल क्लिक किया तो ये जो सेल है ये इधर से इस पर शिफ्ट हो गया, यानी ये जो 30% आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है वो 1250 का आ रहा है, 5000 का नहीं आ रहा है, आपको 5000 का ही सबका परसेंटेज यहाँ पे निकालना है, समझ में आ रहा है आपको। और जब आपने यहाँ पे इसका जब आंसर निकाला और यहाँ से जब इसको ड्रैग किया तो नीचे के क्यों गलत आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, इस बॉक्स में आपको चाहिए था 10000 का 30%, पर गड़बड़ क्या हो गई, ये आपको बता रहा है ज़ीरो का ब्लैंक का आंसर, तो मतलब ही नहीं बनता है। तो इसको करना कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, इस टॉपिक को ना बोलते हैं मैक्स रेफरेंस, ठीक है, इस टॉपिक को बोलते हैं मैक्स रेफरेंस। क्या करना है चलिए देखते हैं, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए इस पर, ध्यान दीजिए, अभी ये जो 5000 आपका, इसके ऊपर क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। तो ये 5000 का आपको हर जगह परसेंटेज बराबर, यानी ये इधर से उधर जंप नहीं होना चाहिए, ये अपनी जगह फ्रीज होना चाहिए, और इसके ऊपर क्या है, अल्फ़ाबेट्स है, तो यहाँ पे D9 लिखा हुआ है बराबर, तो D9 के बीच में क्लिक करना है और आपको F4 दबाना है। अभी जब आप F4 दबाएंगे तो देखिए 9 के पहले डॉलर आ रहा है, यानी इसने नंबर को फ्रीज किया है, और अल्फ़ाबेट के पहले डॉलर आ रहा है, यानी इसने अल्फ़ाबेट को फ्रीज किया है। अब दूसरी बार F4 दबाइए, अब क्या फ्रीज हो रहा है, 9 के पहले डॉलर यानी नंबर फ्रीज हो रहा है। अब तीसरी बार F4 दबाइए, अब क्या फ्रीज हो रहा है, ये D फ्रीज हो रहा है, यानी आपका ये डॉलर शो कर रहा है कि आपका ये जो अल्फ़ाबेट है फ्रीज हो गया। मुझे वही करना था, 5000 के ऊपर था ये D बराबर, तो ये इधर से उधर जंप नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या अल्फ़ाबेट है, इसलिए अब क्या फ्रीज हो गया, मेरा D फ्रीज हो चुका है, ओके। 9 को तो आपको फ्रीज नहीं करना है क्योंकि ये नीचे जाना चाहिए ना, जब आप ड्रैग करोगे तभी तो 10000 का यहाँ पे 25% आएगा, अगर आप फ्रीज कर दोगे तो हर जगह 5000 का ही आपको परसेंटेज इधर भी आता रहेगा, हमें सिर्फ ये लाइन में चाहिए 5000 का। अब बढ़ते E6 पे, अब ये है 25%, ओके, ये इधर से उधर जंप होना चाहिए बराबर, मतलब यहाँ पे 5000 का 30% आना चाहिए, यहाँ पे 5000 का 35 आना चाहिए, लेकिन ये नीचे ड्रैग होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, तो इसके सामने नीचे ये सब क्या है, नंबर्स है, तो ये इसमें मुझे नंबर को फ्रीज करना पड़ेगा। तो मैं F4 दबाऊंगा एक बार, दोनों फ्रीज हो गया, दो बार दबाऊंगा तो अब क्या फ्रीज हो गया, मेरा नंबर, यानी 6 के पहले क्या आ गया, अभी डॉलर, एंटर कर दीजिए, अब ड्रैग कीजिए एंड यहाँ से भी इसको ड्रैग कर दीजिए, आ गए सारे आंसर, समझ में आया। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैक्स रेफरेंस, ओके। अच्छे से जितनी बार देखेंगे वीडियो उतने बार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा,
create a table given below as per given instruction and find the answer. ठीक है, ओके. तो जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, जो यहाँ पे मैंने देखिए इसी सेम टेबल तैयार कर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए. यहाँ पे एक ऐसा टेबल बनाने के लिए कहा है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो हमको निकालना है, सफिक्स निकालना है, नेम डिपार्टमेंट बेसिक पे दिया गया, हावर्स कितना उनके उन्होंने काम किया है. यहाँ पे हमें निकालना है DNS अलाउमेंट्स और यहाँ पे हमें निकालना है HRA हाउस रेंट अलाउमेंट्स. तो ये सारी चीज़ हमें इसमें कैलकुलेट करना और टेबल बना के रखना है. इस टेबल के अंदर ही हमको निकालना है, चार क्वेश्चन निकालना है, सॉल्व करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन पेपर पे दिया गया है. तो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है. सी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, असाइन द सफिक्स फॉर कॉलम सफिक्स एज एम्प्लॉय डैश सो डैट ओनली एंट्रिंग ऑफ वैल्यू द सफिक्स विल असाइन ऑटोमेटिकली. मतलब आपको ऐसा सफिक्स क्रिएट करना है जिससे आप कोई भी नंबर लिखो और एंटर करो तो अपने आप वहाँ पे एम्प्लॉय डैश ऐसा आ जाना चाहिए. ठीक है, अभी प्रीफिक्स मतलब क्या होता है आपको पता है ना, पहले, ओके, और सफिक्स मतलब बाद में, यानी एम्प्लॉय डैश ये वर्ड आपका बाद में आना चाहिए. तो करना कैसे देखते हैं. चलिए यहाँ पे ये रहा सफिक्स का कॉलम, मैं इसे थोड़ा लार्ज कर देता हूँ. ये आपका सफिक्स का कॉलम, यहाँ पे आपको करना है, आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है, होम पे जाना है, जनरल पे जाना है, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कस्टम. यहाँ से जनरल को इरेज कर दीजिए. ठीक है, अब आपका सफिक्स बाद में, यानी आप पहले एक ज़ीरो लिख दीजिए यहाँ पे, ज़ीरो, ओके, एक डिजिट, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कीजिए. क्या ओपन करना है आपको यहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, EMPLOY एम्प्लॉय, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. यही आपको यहाँ पे करने बोला है क्वेश्चन में. देखिए यहाँ पे बोला है एम्प्लॉय वर्ड लिख के आना चाहिए एज अ सफिक्स. ठीक है, तो यानी आपका एंड में आने के लिए कह रहे हैं कि एंड में आपका ऐसा सफिक्स एम्प्लॉय वर्ड लिख के आना चाहिए. ओके, डैश भी डाल देते हैं जैसा बोला एग्जाम में, वैसे ही कर देते हैं. तो डब ज़ीरो लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, एम्प्लॉय लिखना है एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है आपको. ओके, और यहाँ से हम कर देंगे इसको ओके. अब देखिए क्या हुआ है वो आपको नंबर लिखने के बाद पता चलेगा. अब समझे, आपने यहाँ पे लिखा 10, ये देखिए ये 10 एम्प्लॉय अपने आप लिख के आ गया, दिख रहा है आपको. अब आपने लिखा यहाँ पे 20 एम्प्लॉय, 80 एम्प्लॉय, 60 80, यही करके हमें दिखाना था. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है, सेट प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टाइमिंग कॉलम सो डैट यूज़र आर अलाउड टू एंटर टाइमिंग बिफोर 8:05. ओके, ऑन एंटरिंग टाइमिंग आफ्टर 8:05 दे विल बी स्टॉप एंड गेटिंग ए मैसेज एज एम्प्लॉय टाइम आफ्टर 8:05 आर नॉट अलाउड हियर. यानी ये डेटा वैलिडेशन का क्वेश्चन है. हमें क्या करके दिखाना है कि यूज़र आर अलाउड टू एंटर टाइमिंग बिफोर 8:05, यानी 8:05 का टाइमिंग को के बाद कोई ना लिख पाए. कैसे करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहीं पर लिख देते हैं. ठीक है, और डेटा वैलिडेशन का यहाँ पे हम कर लेते हैं. डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, टाइमिंग बोला है तो हमें लेना है यहाँ से टाइमिंग. उसने क्या बोला है यहाँ पे, यूज़र आर अलाउड टू एंटर बिफोर 8:05, यानी 8:05 के बाद का अप्लाई नहीं होना चाहिए. तो यहाँ से हम क्या लेंगे, लेस देन, करेक्ट. यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8:05. टाइमिंग का जो फॉर्मेट है वो हमको यहाँ पे डालना है. एरर अलर्ट में मैसेज क्या करने बोला उसने, क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय टाइम आफ्टर 8:05 आर नॉट अलाउड हियर. तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरर मैसेज में, टाइमिंग आफ्टर 8:05 इज नॉट अलाउड हियर. ये हो गया आपका एरर मैसेज तैयार, एंड इसको हम क्या कर देंगे ओके. देखते हैं इससे हुआ क्या. समझे, किसी बंदे ने लिखा यहाँ पे 8:05, ये उसने लिख दिया बराबर, लेकिन इसने एक्सेप्ट किया क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है कि 8:05 से पहले का ही टाइमिंग अलाउड होगा, यानी 8:04 तक ही आप लिख सकते हो. अब हम लिख के देखते हैं 02, एक्सेप्ट कर लिया ना. अब हम वापस लिख के देखते हैं 10, देखिए आ रहा है ना एरर. ठीक है, होप सो सेकंड क्वेश्चन क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉय
who work 50 or more hours and belong to admin department will get 60% of their basic pay. Other employees will get 40% of their basic pay. Calculate DNS alone. तो ये DA निकालना है. Simple. Employee who have worked 50 or more hours and, यानी ये है logical function. यानी if and, बीच में देखिए and आ रहा है. दो चीज़ को ये divide कर रहा है. एक तो बोल रहा है कि number of hours 50 या उससे ज़्यादा होना चाहिए. और and क्या है? And वो बंदा admin department करना चाहिए. चलिए देखते हैं कैसे करना है. DA equals to if bracket open a and d and again bracket open. ठीक है, ये data validation का पूरा concept मेरे video में है. okay, तो मैं उसका link भी share कर दूँगा. data validation का पूरा concept सीख सकते हैं. and ये logical function का भी मेरा पूरा video है, इसका बना हुआ एक topic, मैं उसकी भी link share कर दूँगा. अब यहाँ पे देखिए equals to if bracket open a and d and again bracket open, क्या बोला है यहाँ पे? employee who work 50 or more hours, ठीक है, hours number of year, it should be greater than, ठीक है, equals to 50, मतलब 50 से बड़ा या 50 तक, comma. दूसरी condition क्या है? And belongs to admin department, यानि इनमें से वो बंदा admin का होना चाहिए. यानि इनमें से, ये हो गया इनमें से, equals to exactly admin ही होना चाहिए. तो आपको admin को select करना है, बराबर. अब देखिए जब आप answer के लिए drag करोगे तो ये admin नीचे accounts पे चले जाएगा, यानी accounts को भी वो मिल जाएगा जो हमको देना है. पर हमें accounts को देना है क्या? नहीं, हमें सिर्फ admin को देना है. तो जो admin word है ना, आप इसे freeze कर दीजिएगा. F4 freeze कैसे करते हैं हम? F4. तो ये हो गई आपकी condition complete, comma. तो जो ये condition fulfill करते हैं आपकी, ठीक है, तो अभी ये कंडीशन जो फुलफिल करेंगे उनको क्या मिलने वाला है देख लेते हैं. विल गेट 60% ऑफ देयर बेसिक पे, अदर्स विल गेट 40% ऑफ देयर बेसिक पे. तो बेसिक पे ये रहा, इसका आपको कितना मिलेगा जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं? 60%. और बाकियों को क्या मिलने वाला है? कॉमा. उनको क्या मिलने वाला है? इसका 40%. तो इनटू 40%, एंड यहाँ से हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. समझ में आया आपको? यहाँ पर समझ में आपको? अब इसके आप एंटर कर दीजिए और इसे ड्रैग कर दीजिए. चलिए देखते, हमने क्या बोला था कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए. पहली कंडीशन तो बंदा एडमिन का होना चाहिए और उसका जो नंबर ऑफ आवर्स है वो 50 से ऊपर, मतलब 50 या 50 से ऊपर होना चाहिए, दोनों होनी चाहिए. अभी देखिए पहला नाम ही इसका एडमिन नहीं है तो इसको तो कंडीशन मिलने वाली नहीं, यानी इसको 60% मिलने वाला ही नहीं है. यानी इसको 40% मिला होगा इसका. देखते 20,000, ठीक है, तो इक्वल्स टू दिस इनटू 40% और एंटर. आया आंसर हमारा करेक्ट? अभी उसके बाद एडमिन, एडमिन आ गया एंड बोला है, ठीक है, ये एडमिन है लेकिन क्या ये 50 से ऊपर है क्या? नहीं है. तो इसको भी कितना परसेंट मिलेगा? 40%. देखते हैं, इक्वल्स टू दिस इनटू 40% एंड एंटर. 7600, ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट है अकाउंट से को मिलने वाला एडमिन, ये है 55, यानी ये दोनों कंडीशन मैच करता है. यानी इसका 60% मिलेगा इसको. तो इक्वल्स टू दिस इनटू 60% एंटर. 13,500. बढ़ते हैं एचआरए की तरफ. लास्ट क्वेश्चन एचआरए. क्या बोला यहाँ पे देखते हैं एचआरए के लिए. एम्प्लॉयज हु हैड वर्क 50 और मोर आवर्स और बिलोंग टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अब ये और वाली कंडीशन है, ठीक है. एम्प्लॉयज हु हैव वर्क 50 और मोर आवर्स, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये और है. यानी दोनों में से जो भी एक कंडीशन फुलफिल करेगा उसको वो आंसर मिलेगा. तो इफ और ब्रैकेट ओपन, क्या बोला है सबसे पहले कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का होना चाहिए, बराबर, और 50 और मोर आवर्स. तो हम क्या करेंगे? इनमें से क्या होना चाहिए? अकाउंट्स का. तो इक्वल्स टू अकाउंट्स, और फ्रीज करने के लिए F4, कॉमा. ये आपका क्या होना चाहिए? शुड बी, क्या बोला है, हु हैव वर्क 50 और मोर आवर्स. तो सेम रहेगा, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, ब्रैकेट क्लोज. ये हो गया आपकी कंडीशन कंप्लीट. अब जो ये कंडीशन फुलफिल करनी है उनको क्या मिलने वाला है? विल गेट 60% ऑफ देयर बेसिक पे,
एंड 20% ऑफ डी ए, ओके, मतलब 60% ऑफ देयर बेसिक प्ले प्लस 20% ऑफ डी ए. तो मैं कर देता हूँ, यानी 60% इंटू बेसिक पे, ये आपका बेसिक पे, प्लस और क्या मिलने वाला है उसको, 20% ऑफ डी ए, 20% इंटू डी ए, ओके. मैं इन दोनों को ब्रैकेट में डाल लेता हूँ ताकि दोनों का जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के साथ प्लस हो जाए, ओके. ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली है आगे देख लेते हैं. तो जो ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे उनके साथ क्या होगा, उनको क्या मिलेगा, विल गेट 40% ऑफ देयर बेसिक पे एंड 10% ऑफ डी ए. तो सेम 40% इंटू बेसिक पे, ओके, प्लस 10% ऑफ डी ए, तो 10% इंटू डी ए. सेम इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि दोनों एक साथ प्लस हो जाए. ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज. अब ये लास्ट वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर एंड ड्रैग कर देंगे इसको. चलिए देखते हैं, और बोला था यानी दोनों में से कोई कंडीशन. चलिए ये है बंदा, अकाउंट्स आ गया है तो हमें तो ये देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि क्या बोला, और बोला है दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए. क्या बोला था कि जो कंडीशन फुलफिल करेंगे उनको मिलेगा 60% ऑफ बेसिक पे, तो यानी इक्वल्स टू दिस इंटू 60%, कितना हो गया 12,000 बराबर, और क्या होता है 40% ऑफ डी ए, वही बोला यहाँ पे, नहीं 20% ऑफ डी ए, तो इक्वल्स टू दिस इंटू 20%, एंटर, ठीक है. तो 12,000 प्लस 1,600 इज 13,600. तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. प्रिपेयर अ मार्कशीट, ओके, मार्कशीट हमको तैयार करना है. चलिए कर लेते हैं मार्कशीट तैयार, ओके. तो यहाँ पे मैंने टेबल तैयार कर दिया है आप लोग के लिए, ओके. तो ये ऐसा ही आपको टेबल तैयार करना है सेम, ओके. मैं तो इसको जूम कर देता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले निकालने वाला आपको टोटल, मैक्स, मेन, एवरेज और उसके नीचे ग्रेड. तो ये मार्कशीट है और इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट करके रखा है, उसकी भी लिंक मैं शेयर कर दूँगा इस वीडियो के साथ साथ, तो आप वो लिंक पे जाके भी उसको अच्छे से देख सकते हैं. टोटल, मैक्स, मीन, एवरेज, टोटल निकालना है. तो टोटल का फॉर्मूला इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, सारे मार्क्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए एंड एंटर. फिर ड्रैग करेंगे तो सारे टोटल आएंगे. मैक्सिमम मार्क्स, तो इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, सारे मार्क्स को सेलेक्ट कीजिए टोटल को छोड़ के, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. ये हो गया आपका मैक्सिमम, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए अपने आप ड्रैग हो जाएगा. मिनिमम मार्क्स इक्वल्स टू मेन, ब्रैकेट ओपन, सारे मार्क्स को सेलेक्ट करना है टोटल को छोड़ के, ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर करके यहाँ से भी इसको ड्रैग कर देना है. अब बारी आती ग्रेड की. कैलकुलेट ग्रेड विथ दिस कंडीशन, स्टूडेंट हु हैव गॉट टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 410 डिस्टिंक्शन, ओके. तो इक्वल्स टू इफ, सॉरी हमारा एक और एक चीज़ रह गया निकालना, एवरेज, ठीक है एवरेज निकाल लेते हैं. एवरेज इक्वल्स टू ए वी ई आर एच ई, एवरेज, ब्रैकेट ओपन. अब एवरेज में आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, ड्रैग, ओके. नेक्स्ट क्या निकालना है हमारा, ग्रेड, ठीक है ग्रेड. अब इसको भी मैं सेम फॉर्मेट दे देता हूँ. नेक्स्ट है ग्रेड, क्या कंडीशन बोला है, स्टूडेंट हु गॉट टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 410 डिस्टिंक्शन. तो इक्वल्स टू इफ, ये लॉजिकल कंडीशन इससे आ जाएगा, ठीक है लॉजिकल फंक्शन से. इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन, जिसका भी टोटल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400 है
तो उसको क्या मिलेगा? डिस्टिंक्शन. ठीक है, इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंड कॉमा इफ अगेन ब्रैकेट ओपन. नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है? देन स्टूडेंट गॉट टोटल ग्रेटर एंड इक्वल टू 350. तो टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 350 कॉमा डबल इंटेड कॉमा उनको क्या मिलने वाला है? वेरी गुड. ठीक है, तो उनको मिलेगा वेरी गुड, डबल इंटेड कॉमा क्लोज देन कॉमा अगेन. नेक्स्ट लास्ट कंडीशन क्या है? एंड स्टूडेंट हु गॉट लेस देन इक्वल टू 340 देन गुड. तो यानी बाकी जो भी बच गए उनको क्या मिलेगा? गुड. तो वापस आपको ये इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉमा डबल इंटेड कॉमा में यहाँ पे क्या लिख सकते हो? गुड, डबल इंटेड कॉमा क्लोज. अब जितनी बार ब्रैकेट ओपन हुआ उतनी बार ब्रैकेट क्लोज होगा. ठीक है, ये ग्रेड निकालने का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है मार्कशीट के अंदर, आप उसको जाके अच्छे से देखें, वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आप समझें. ठीक है, एंटर कीजिए एंड इसको ड्रैग कर दीजिए. क्या बोला था? 400 या 400 तक रहेगा तो डिस्टिंक्शन. चलिए देखते हैं. ओके, 400 से ऊपर है डिस्टिंक्शन आ गया, करेक्ट. देन 350 या 350 से ऊपर, वेरी गुड, ये रहा वेरी गुड, 350 से ऊपर है, ये भी 350 से ऊपर है, ये भी 350 से ऊपर है, और जो भी 350 से नीचे उनको आ गया, गुड. तो होप से आपको क्लियर हो गया ग्रेड. आगे बढ़ते हैं. क्रिएट अ फॉर्मूला ऑफ वी लुकअप एरे फंक्शन. क्या बोला? क्रिएट अ फॉर्मूला ऑफ वी लुकअप एरे फंक्शन बिलो टेबल सो दैट बाय एंटरिंग ओनली नेम द आंसर ऑफ एवरी सेल कम्स ऑटोमेटिकली. ठीक है, इसका भी सोल्यूशन मैंने जो वीडियो बना के रखा है मार्कशीट का ऑलरेडी, उसके अंदर भी इसका प्रॉपर से एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन है. वी लुकअप होता क्या है उसका भी अलग से पूरा वीडियो है, तो सारी लिंक मैं शेयर कर दूंगा. आपको एक एक चीज़ डिटेल में सीखना है तो आप वो लिंक पे क्लिक करके वो चीज़ सीख सकते हैं आप. ओके, तो आप वो वीडियो पे जाइए और सारी चीज़ देखें, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. इवन इसका सोल्यूशन आपको अगर समझना है इसी क्वेश्चन का तो आप मार्कशीट वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, तो करना क्या है कि क्रिएट अ फॉर्मूला वी लुकअप एरे फंक्शन बिलो टेबल्स सो बाय एंट्रिंग ओनली नेम द आंसर ऑफ एवरी सेल्स कम्स ऑटोमेटिकली. बहुत ही सिंपल है ये, देखिए कैसे करना है. हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हेडिंग्स को, ये कर दिया मैंने यहाँ पे कॉपी और नीचे कर दिया मैंने पेस्ट. अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे इसके नीचे किसी का भी नाम लिखूँ तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाना चाहिए. तो सबसे पहले तो आपको सारी रेंज एक साथ सेलेक्ट करनी है. इक्वल्स टू वी लुकअप, ओके, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ब्लैंक सेल कॉमा टेबल आरे में होल टेबल आ जाएगा आपका यहाँ पे, टेबल आरे के बाद कॉमा, अब कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको सारे मार्क्स चाहिए तो आप कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए. तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो बारी बारी आप लिख दीजिए इसको, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कॉमा 0 एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज. अब लास्ट में आपको क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट एंटर. ठीक है, आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ध्यान में रखना आपको ये. ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर. अब समझे आपको हमीद का इन्फॉर्मेशन लिखना है, आप यहाँ पे लिखिए हमीद और एंटर कीजिए. ये देखिए हमीद का सारा डिटेल्स आ गया. अब आपको समझे नेहा का चाहिए, आप नेहा का नाम लिखिए. ये देखिए नेहा का भी सारा डिटेल आ गया. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में? कन्वर्ट अ मार्कशीट इंटू पाइवट चार्ट सो दैट इट लुक्स लाइक दिस. देख लेते. ओके, तो यानी है ये टोटल और नीचे आना चाहिए नाम. चलिए देख लेते हैं, हम भी इसको ऐसे ही सेम कन्वर्ट कर देते हैं. हम टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने टेबल को, गो टू इंसर्ट, ठीक है, देन गो टू पाइवट चार्ट, न्यू वर्कशीट एंड ओके. अब हमें क्या करने बोला है? नाम, ये हो गया नाम एंड टोटल. ठीक है, और ये दिखना चाहिए कुछ इस तरीके का. तो इसका चेंज करने के लिए हम जाएंगे डिज़ाइन, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं. आई थिंक दिस लुक लाइक द सेम. ओके, दिस इज़ द वन. ठीक है, ये हो गया मेरा पावर चार्ट. ठीक है, कितना अच्छे पावर चार्ट बता रहे कि हमीद को कितना आया, नेहा को कितना आया, पार्थिव रमेश एंड रोहन, इससे पता चलता है नेहा ने सबसे ज़्यादा टॉप किया है. समझ में आपको? तो ये भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे
सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल पूरा एडवांस एक्सेल के क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, ओके, कैसे उसको एक्सेल में वर्क में कैसे किया जाता है, कौन सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। वीडियो को पूरा स्टार्टिंग तो एंड तक देखेंगे, तभी आपको पूरा क्वेश्चन पेपर के बारे में आइडिया होगा, नॉलेज होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी लोग में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।